नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी खबर। मैं रुक्की सूरजपूत, आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद में, जहां हमारे ससुर जी की मृत्यु के बाद अपने प्रियजन से आत्मा बात कर सकती है, इस विषय पर आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद हमारे प्रियजन हमें सुन सकते हैं, आप उनसे मदद की प्रार्थना कर सकते हैं। काफ़ी बार आत्मा हमें कुछ आहट या खांसने की आवाज़ से इशारा देती है, जिससे हमें यह महसूस होता है कि हमारा प्रियजन हमारे आसपास ही है। काफ़ी बार प्रियजन असामान्य तरीके से उनकी मौजूदगी का संकेत देते हैं कि प्रियजन को मरने के बाद हमारे बारे में सभी जानकारी का पता चलता है। अगर हम प्रियजन के बारे में अच्छा सोच रहे हैं थे तो उन्हें पता चल जाता है, और अगर हम प्रियजन के बारे में कुछ गलत सोच रहे थे तो इसके बारे में भी उनको पता चल जाता है। इसीलिए कहा गया कि किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद आत्मा को सब कुछ पता चल जाता है। मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, इसमें हम बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद सबको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद तुरंत आत्मा वहाँ से चली नहीं जाती है, वह वहीं पर मौजूद होती है तथा अपने शरीर से थोड़ा बहुत जुड़ाव बनाए रखती है। अगर आप मृत्यु के बाद सबको अकेला छोड़ते हैं तो आत्मा और अधिक दुख हो सकता है, इसीलिए मृत्यु के बाद सबको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मरने के बाद जलाया क्यों जाता है, ये भी आपको बताएं। मरने के बाद सिर्फ शरीर ही बच जाता है और शरीर कुछ काम नहीं होता, इसीलिए शरीर को पंच तत्व में विलीन करना जरूरी होता है, इसीलिए मरने के बाद शरीर को जलाया जाता है। दोस्तों, आज हमने आपको आर्टिकल के माध्यम से बताया कि मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है, 13 दिन के बाद आत्मा कहाँ जाती है। इसके अलावा इस टॉपिक संबंधी अन्य जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मरने के बाद 13 दिन के बाद कहाँ जाती हैं, प्रियजन से बात हो सकती है, मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है, ये अलग अलग विषय हैं। आपको बता दें